अभी हमारे बीच में हमारे संगठन महामंत्री माननीय रामलाल जी आए थे, एक आवश्यक बैठक के लिए उनको अपने कक्ष में जाना पड़ा है। मैं उनका भी, माननीय तनवीर अहमद साहब जो वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश से हैं, ठाकरे जी उनको अपने घर से संगठन के कार्य के लिए लाए थे, वो हमारे आग्रह पे मध्य प्रदेश से आए हैं। मेरे संगठक, मेरे प्रकोष्ठ के प्रभारी माननीय माखन सिंह जी, आपका भी संबंध मध्य प्रदेश के होने की वजह से ठाकरे जी से बहुत निकट तक का था। आप भी एक कार्यक्रम छोड़कर हमारे आग्रह पे हमारे बीच में आए हैं। मुझे बड़े हर्ष है कि हमारे बीच में माननीय रामलाल जी पुनः आ गए हैं। श्रीमान आर के सिन्हा साहब, जो कि हमारे पूर्व में जो संयोजक रहे माननीय अश्विनी जी के विशेष सानिध्य में थे, और आप उनको नया जिम्मेदारी मिली है दिल्ली में सह संयोजक के नाते, और आप देख रहे हैं जो बात मैंने अभी कही कि स्नेह युक्त व्यवहार सबका सहयोग दिलाता है और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसका प्रमाण है कि दिल्ली में विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे माननीय आलोक कुमार जी, आपका एक कद है संगठन में, आप हजारों करोड़ों लोगों को अपने प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रशिक्षण देते हैं, तैयार करते हैं, समाज में काम करने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं, और आज वो हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि सहयोग के आधार पर सहयोग लिया भी जा सकता है। अभी जो हमारे प्रकोष्ठ की ओर से जब पिछली बार एक कार्यक्रम रखा गया, तो हमने मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवल मंत्र को आधार बनाया था, और हमने ये साबित किया था कि किस प्रकार से सहयोग किया जा सकता है। बंधुओं, आज एक विचार मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्योंकि ये एक परिचर्चा है। ठाकरे जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पे सहयोग प्रकोष्ठ की ओर से है, इसमें है सेवा से पवित्रता, पवित्रता से सेवा। योग दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य महर्षि पतंजलि ने मनुष्य शरीर के लिए अनित्य और अशुचि विशेषणों का प्रयोग किया। वे लिखते हैं कि हमारा यह शरीर इस रूप में अनित्य है कि इसके हमारे पास रहने और ना रहने का कोई निश्चय नहीं। जन्म के पहले यह हमारे पास नहीं था, भविष्य में भी ये यही रहे शरीर मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। वर्तमान में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक यह प्रतिक्षण क्षीण ही होता जाता है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक यदि किसी की आयु 100 वर्ष की है तो वह जन्म के बाद से प्रतिक्षण धीरे धीरे घटती ही जाती है। शरीर का दूसरा स्वरूप सुचुचि यानी अपवित्रता वाला आचार्यों और मनुष्यों ने कहा है कि मनुष्य शरीर के मुख, नासिका, नेत्र, कर्ण और रोम छिद्र विकारयुक्त पदार्थों को निरंतर प्रभावित करने वाले अशुद्ध द्वार है, जिनसे हमेशा अपवित्र पदार्थ शरीर के बाहर निकलते हैं। इसका अर्थ है कि अपवित्र पदार्थ हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं। इनके शरीर में हर समय रहने के कारण शरीर को अशुचि यानी अपवित्र स्वरूप वाला कहा गया। इसलिए ऐसे अनित्य और अशुचि स्वरूप वाले शरीर की उपयोगिता को लेकर जब जिज्ञासा की गई, तब संतों और मनुष्यों ने कहा कि सेवा करने से तन पवित्र होता है। सेवा किसी दूसरे की ही करना जरूरी नहीं, बल्कि घर के माता पिता और गुरुजनों की भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति तन व धन से अभावग्रस्त हैं, अकिंचन हैं, और जिसे किसी प्रकार के आश्रय की अपेक्षा है, उसे आश्रय देकर मनुष्य मात्र की सेवा की जा सकती है। विवेक जन का यही दृढ़ मत है कि कोई भी कितना भी अपवित्र के स्वरूप वाला हो, यदि वह सेवा पथ पर अग्रसर है तो वह पवित्र है और उसका जन्म भी सार्थक है। इस अपवित्र शरीर का यही सार्थक स्वरूप है। बंधुओं, इसी सहयोग प्रकोष्ठ में कार्य करते करते हमें एक शेक्सपियर की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं।
अंग्रेजी भाषा के महान कवि व नाटककार शेक्सपियर ने अपने एक छंद में लिखा है कि मैं एक बार गंभीर रूप से बीमार हो गया। एक धनी व्यक्ति ने दर्द के साथ मुझे चिकित्सा के लिए धन प्रदान करके सहायता की। मैंने स्वस्थ होने पे सह धन्यवाद उसको धन लौटा दिया। कुछ समय उपरांत मैं पुनः गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गया। एक निर्धन व सेवावृत्ति व्यक्ति ने दिन रात कठिन तपस्या करके मेरी सेवा की, इसके परिणाम स्वरूप मैं स्वस्थ हो गया। अब मेरे सोचा कि इस महान सेवावृत्ति व्यक्ति को क्या लौटा। सेवा का कोई प्रतिकार नहीं होता, सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही ईश होता है। दूसरों को सहयोग देना ही उन्हें अपना सहयोगी बनाना है। मान्यवर, मेरे से पूर्व श्रद्धेय अश्विनी कुमार जी जब सहयोग प्रकोष्ठ का कार्य देख रहे थे तो आपके सहयोग से अनेक ऐसे हमने अभियान प्रारंभ किए जो संगठन उपयोगी है, जिनको पूरे देश में चलाने का हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 7 सहयोगी अभियान हमारे चल रहे हैं और आज मैं इसको अगर माननीय नितिन गडकरी जी अन्यथा ना ले तो मैं ये खुलासा करना चाहता हूँ कि हम माननीय अश्विनी जी की एक प्रतिमा का प्रयास बिहार में कर रहे थे। उस प्रयास में हमने बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम किया। माननीय अरुण जेटली जी यहाँ से गए, अनूप जरोटा जी भजन गाने गए, पूरा प्रदेश जुटा। मंतव्य यही था कि उनकी कर्मभूमि पे उनकी एक प्रतिमा लगनी चाहिए। जब वो प्रयास विफल हो गया, क्योंकि जो दृश्य आपके सामने है नीतीश कुमार जी के, वो हमारा काम अधूरा रह गया, तो जो अनूप जरोटा जी हैं वो माननीय अश्विनी कुमार जी के, अभी आपने वृत्तचित्र में देखा, भतीजे हैं, तो उनसे चर्चा चल रही थी कि कहाँ लगाया जाए। तो ध्यान आया कि रितंबरा देवी जी का जो 52 एकड़ का मथुरा में जो स्थान है वहाँ पर उनको अश्विनी जी का सहयोग रहा है, तो उनसे आग्रह किया जाए कि वहाँ एक प्रतिमा लगाई जाए। तो उस निमित्त मैं मथुरा गया हुआ था, तो जब मेरी बात अनूप जी से हुई, रितंबरा जी बैठी थी, तो अनूप जी से मेरी चर्चा हो रही थी कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जी के साथ मैं नागपुर में बैठा हुआ। तो मैंने कहा कि हमारा एक सहयोग कर दीजिए, आपके चाचा जी का तो सहयोग हम लेते ही रहे हैं, उनके सहयोग और आशीर्वाद से ही हम लोग काम कर